नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24, जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री आयुर्वेद का बढ़ावा देने की बात कह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक एवं प्रशासनिक उपेक्षाओं का शिकार हो खंडहर में तब्दील हुआ वैशाली जिले के भगवानपुर प्रखंड क्षेत्र के हरिवंशपुर बांधु पंचायत के गोडिया स्थित बिहार सरकार द्वारा संचालित आयुर्वेदिक औषधालय। यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि किसी समय इस अस्पताल में आयुर्वेदिक औषधियों के पौधे का खेती हुआ करता था और उसी पौधों से यहाँ पर आए मरीजों का इलाज होता था। इस अस्पताल में बहुत ही दूर दूर से लोग इलाज करवाने के लिए आते थे, लेकिन धीरे धीरे इस अस्पताल पर से प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान हट जाने के कारण यह अस्पताल खंडहर में तब्दील हो गया और यहाँ पर पदस्थापित डॉक्टर हाजीपुर में रहने लगे। लोगों ने आगे बताया कि इस अस्पताल के पास अभी भी 3 एकड़ से ज्यादा जमीन उपलब्ध है। इसके जमीन पर आज भी कुछ औषधीय पौधा देखे जा सकते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों से जब यह जानने की कोशिश हमारी टीम के द्वारा किया गया और वहाँ के ग्रामीणों से यह जानने की कोशिश की गई कि यह अस्पताल कितने सालों पहले बंद हुआ, तब ग्रामीणों ने बताया कि यह अस्पताल लगभग 20 से 25 वर्ष पहले बंद हो गया। उस समय से क्षेत्र में बहुत से विधायक बने, बहुत से प्रतिनिधि है, लेकिन इस अस्पताल का उद्धार आज तक नहीं हो पाया। लोगों का कहना है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री की सोच है, उसके लिए यह अस्पताल का उद्धार होना अति आवश्यक है। रिपोर्ट प्रशांत प्रकाश, वैशाली, बिहार। यहाँ मालूम हुआ है कि मैंने जो भी आयुर्वेद की दवा बनती थी उसका खेती यहीं पे होता था। अब पूरा बहुत उसमें सभी औषधि का वृक्ष था यहाँ। अच्छा, मैं सब खेती यहीं करना था और यहीं दवा बना के दिया जाता था। हाँ, वो जो वैद्य लोग रहते थे यहाँ, जिस डॉक्टर चिकित्सक, वो आपको चपरासी लोग को गाइड करके दवा बनवाते थे जड़ी बूटी से। ये सरकार से आप लोग क्या चाहते हैं, इस हॉस्पिटल का माने उत्थान हो, जीर्णोद्धार हो जाते हो, भाग आयुर्वेद तो समझिए कि हर चिकित्सा का बेस आयुर्वेद ही है। सर, पहले तो आपका हम परिचय जानना चाहेंगे। ललित कृष्ण प्रसाद सिंह मेरा नाम हुआ, इसी गांव में मेरा घर है। सर, ये गुढ़िया गांव, गुढ़िया गांव में एक आयुर्वेद का हॉस्पिटल हुआ करता था किसी जमाने में। आज वहां पे सिर्फ एक कहिए कि ढांचा मात्र खड़ा रह गया, बाकी कुछ है नहीं। उसके बारे में कुछ सर जानकारी हो तो बताएं। देखिए, यहां पे बहुत अच्छा खासा डॉक्टर जुटते थे, पेशेंट रोगी, और डॉक्टर चंद्रभूषण सिंह थे। अभी वो अपने दवाई वाई जड़ी बूटी का बहुत सारा पौधा है यहाँ हॉस्पिटल कैंपस में। इसका अपना 3.5 एकड़ जमीन है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अंदर में है ये हॉस्पिटल, और जिला का इकलौता हॉस्पिटल है सर। नहीं, एक और है, एक वैशाली में है। तो वो डॉक्टर चंद्रभूषण सिंह मर गए, इसके बाद डॉक्टर सुबोध आए हैं हाजीपुर, एकारा उकारा में घर है उनका, वो कभी आए ही नहीं हॉस्पिटल में बैठ के। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में अपना तनख्वाह लिए, वो पैसा लिए वहीं। अभी तो साहब DDC साहब बुला लिए हैं, उनको ऑफिस ज्वाइन कराए हैं, कि रिटायर हो गए, अभी हम नहीं बता सकते क्लियर, जो वर्षों से नहीं आ रहे हैं। 10 साल से बंद रही है, 10 साल से कोई यहाँ नहीं है। 10 साल से यहाँ कोई नहीं। तो सर, यहाँ पे मैंने एक अनुमान था, लगभग 2000 के बाद भी ये चला है क्या हॉस्पिटल? 2000 के बाद नहीं चला, माने 2000 के आसपास में ही बंद हो गया था। 2000 के आसपास में ये बंद हो गया, यहाँ कोई देखभाल करने वाला कोई आदमी नहीं, कोई आदमी नहीं। यहाँ प्यून था, कार्यरत डॉक्टर था, सबको ये DDC ऑफिस में वो चला गया था, ऑफिस ज्वाइन कर। सर, पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा शुभ नाम हुआ अरुण कुमार सिंह, फादर्स नाम हुआ स्वर्गीय श्री कृष्ण प्रसाद सिंह। ये घर कहाँ हो गया? घर गोढ़िया चमन, पोस्ट। सर, ये गोढ़िया में एक आयुर्वेद हॉस्पिटल हुआ करता था किसी जमाने में। तो सर, उस हॉस्पिटल के बारे में जानना है कि एक ठठरी तो दिख रहा है ढांचा सिर्फ, बाकी कुछ दिख नहीं रहा है, तो क्या इसके बारे में क्या जानकारी कुछ है? जानकारी तो है कि जो पहले जो डॉक्टर जो थे यहाँ, डॉक्टर चंद्रभूषण सिंह, उसके बाद में पोस्टिंग में फिर उनके ट्रांसफर रिटायर करने के बाद में आए सुबोध कुमार सिंह, वही ध्वस्त किया। तो वो ध्वस्त किया। अभी यहाँ पे क्या ये जानकारी है कि कोई पोस्टेड है या अभी? अभी ये जानकारी नहीं, ये जानकारी नहीं है अभी। यहाँ तो कोई रहता नहीं है। ये कितना साल, लगभग कितना साल पहले बंद हो गया था? ये बंद हो गया लगभग 10 साल से ऊपर। 10 साल से ऊपर हो गया। सर, आपका नाम क्या हो गया? सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह। सर, आप गुढ़िया के रहने वाले हैं? नहीं, सीमा कल्याण। सीमा कल्याण के रहने वाले हैं।
तो सर ये आयुर्वेद हॉस्पिटल जो है गुढ़िया में जो है जी, उसके बारे में क्या आपके पास कोई जानकारी है कि ये कब बंद हुआ था? हम लोग जानते हैं जबकि बैद जी पहले थे सारे हॉस्पिटल बहुत अच्छा चलता था, जिस समय डॉक्टर सुबोध कुमार सिन्हा है उस समय से हॉस्पिटल में समाप्त कर दिए। ये लगभग कितना दिन पहले बंद? लगभग 20 साल पहले समाप्त कर दिए। लगभग 20 साल पहले जी। अब यहाँ पर कोई कार्यरत नहीं है। ये हॉस्पिटल के पास लगभग जमीन वगैरह कुछ? हाँ, 3 साढ़े 3 एकड़ है। 3 से 3.5 एकड़।